हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का हलवा, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है और आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। दो बड़े साइज के उबले हुए आलू, 1/4 कप चीनी, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, 2 बड़े चम्मच देसी घी, 2 इलायची का पाउडर, गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम की कतरन, थोड़ी सी पिस्ते की कतरन। सबसे पहले हम इन उबले हुए आलू को किस लेंगे। आप चाहे तो मसल भी सकते हैं, पर अच्छे से मसला हुआ होना चाहिए, आलू के पीसेस नहीं होने चाहिए। सबसे पहले कढ़ाई लेके गैस को ऑन कर देंगे। अब उसमें हम डालेंगे देसी घी, घी को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू, और अब हम इसे सेकेंगे। लगभग 2 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे सेकेंगे। लगभग 2-3 मिनट बाद हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे सेकेंगे। और सेकते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका नॉन स्टिक पैन है तब तो ये चिपकेगा नहीं, लेकिन अगर आपका नॉर्मल पैन है तो आपको नीचे से खुरचते हुए इसको सेकना है ताकि ये चिपके नहीं। ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी और इसे और सेकेंगे। चीनी मिलाने के बाद में हमने इसे लगभग 5-6 मिनट तक और सेका है। अब हम इसमें मिला देंगे इलायची पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये तैयार हो गया है और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बादाम की कतरन, पिस्ते की कतरन। तो तैयार हो गया है आलू का हलवा। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको और नई नई रेसिपीज चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।